तो लेते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें ये लिया गया है कि एक स्लैंट हाइट है, मतलब इसको पहले इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, जिसको समझ में आएगा अच्छी बात है, तो हिंदी में पढ़ेंगे ही। द स्लैंट हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 10 मीटर एंड इट्स हाइट इज 8 मीटर। आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए। फाइंड द एरिया ऑफ इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखिए राइट सर्कुलर कोन का मतलब क्या होता है। देखिए अगर आप ऐसा कोई कोन बनाते हैं, ठीक है, तो कोन की ये जो हाइट है, अगर वो आपके इस वाले रेडियस पे बिल्कुल परपेंडिकुलर आती है, तो उसको हम लोग कहते हैं राइट सर्कुलर कोन। ठीक है, RCC, मतलब ये RCC वाला, सड़क वाला RCC नहीं है, आर मतलब राइट, सी मतलब सर्कुलर कोन। अब देखो क्या कह रहा है कि उसमें दिया हुआ है कि उसकी तिरछी ऊंचाई 10 मीटर है और इसकी ऊंचाई 8 मीटर है। इसका क्या मतलब है? देखो अगर कोई कोन होता है तो उस कोन में दो तरह की ऊंचाई होती है ना, ये वाली ऊंचाई को हम लोग तिरछी ऊंचाई कहते हैं, जिसको एल से दिखाते हैं, स्लैंट हाइट इंग्लिश में कहते हैं, और एक ये वाली ऊंचाई होती है, इसको एच से दिखाते हैं। तो ये जो हमारा बचता है इसको हम रेडियस कहते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो पूरा जो तिरछा तिरछा जो तो एरिया है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, घुमावदार सतह का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, उसी को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, TSA CSA तुम लोग ऐसा सुने होंगे। हम लोग को टोटल सरफेस एरिया नहीं फाइंड करना है, हम लोगों को सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है। टोटल का मतलब अगर उसमें नीचे जो प्लेट है ना शंकु की, अगर उसका भी एरिया ऐड हो जाता तो उसको हम लोग कहते हैं टोटल, लेकिन हम लोगों को सिर्फ फाइंड करना है कर्व्ड वाला। उसका डायरेक्ट फार्मूला होता है πRL। ठीक है, πRL उसका डायरेक्ट फार्मूला होता है कर्व्ड सरफेस एरिया का। लेकिन अब बात यह आती है कि आर तो दिया नहीं है, ठीक है, पाई तो पता है, चलो पाई का मतलब हो गया 22/7, लेकिन एल एल दिया है कि नहीं दिया है, तो देख लो एल दिया है कि नहीं दिया है। एल आराम से दिया हुआ है, तिरछी ऊंचाई 10 मीटर है और ऊंचाई 8 मीटर है। तो देखो इसका वो ये कह रहा है कि इस तरीके से, चलो आधा शंकु बनाते हैं, हमको रेडियस निकालना है, एल का मान निकालना है, एल का मान 10 दिया हुआ है, एच का मान भी 8 दिया हुआ है, लेकिन आर का मान नहीं दिया हुआ, तो आर का मान वो पाइथागोरस से निकाल लेंगे, √L² - H² से। ठीक है, पाइथागोरस तो ऐसे ही लगने वाला है। तो अब देखो आराम आराम से मान रखते हैं, वॉल्यूम के सॉरी वॉल्यूम में निकाल रहे हैं हम लोग निकाल रहे हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, मतलब ये जो शंकु है उसका सिर्फ ये जो घुमावदार एरिया ना, सिर्फ उसको निकालना है। उसका फॉर्मूला क्या होता है? πRL होता है, एल जो तिरछी ऊंचाई है, पाई का मान क्या रखोगे? 22/7 रखोगे। आर का मान क्या रखोगे? आर का मान √L² - H² रखोगे। और एल का मान क्या रखोगे? एल का मान चुपचाप 10 दिया हुआ है, थोड़ा सा इसको हल कर लोगे आंसर निकल जाएगा। 22/7 जस का तस छोड़ दो फिलहाल, और अंडर रूट तुम क्या करो, इस L² का मतलब हो गया 100, क्योंकि 10 का स्क्वायर, एल का मान 10 है, -64, क्योंकि जो एच है उसका मान 8 था, तो 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। अब 100 में से 64 घटाओ, जो आया उसका वर्गमूल निकालो। अगर तुम गलत नहीं कर रहे होगे तो 100 में से 64 घटते ही आ जाएगा 36। अब इस 36 का वर्गमूल निकालेंगे तो आ जाएगा 6 और 22 × 6 कर देना और उसको 7 से डिवाइड कर देना। अब जो उत्तर आएगा दशमलव में, वही तुम्हारा हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया। इसमें एक बात और ध्यान रखना है, वो कौन सी बात है? यूनिट, यूनिट होगा m², मीटर क्यूब नहीं, ध्यान देना, मीटर क्यूब वॉल्यूम का यूनिट होता है। और हम लोग यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं? एरिया। एरिया निकालो भैया, चाहे किसी भी टाइप का एरिया हो, वो प्लेट का एरिया हो, आयत का एरिया हो, किसी भी चीज़ का एरिया हो, सरफेस का एरिया हो, कर्व सरफेस का एरिया हो, टोटल सरफेस एरिया हो, एरिया मतलब m², ध्यान देना। चाहे m² लिखो, चाहे cm² लिखो, चाहे km² लिखो, मतलब स्क्वायर रहना चाहिए, लेंथ की जो यूनिट है उसमें स्क्वायर होना चाहिए, तो वो एरिया हो गया। क्यूब रहेगा तो वॉल्यूम हो गया, बहुत सिंपल है। यहाँ पे क्या निकाले हैं? CSA निकाले, मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड की स्पेलिंग क्या होगी? CURVED, कर्व्ड मतलब घुमावदार एरिया निकाला गया है। तो इसको तुम लोग हल कर लेना और इसका आंसर कमेंट निश्चित कर देना।